हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में न्यू मॉडल FI जो बाइक होती है इसका माइलेज कैसे चेक करते हैं, आज के इस वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक की मदद से हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो पुरानी बाइक होती थी दोस्तों, उसमें कार्बोरेटर होता जिसकी मदद से हम उसके जो माइलेज है उसकी सेटिंग कर लेते थे। लेकिन हमारी जो न्यू मॉडल बाइक है जिसमें हमको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण हम हमारी जो बाइक है इसका माइलेज भी सेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन हमको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो बाइक है कितने का एवरेज दे रही है, यानी कि माइलेज दे रही है। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारी न्यू मॉडल FI बाइक है ये माइलेज कितना दे रही है। इसके लिए सबसे पहले हमको ला लेना है दोस्तों 16 नंबर का रिंग पाना। अगर आपके पास 16 नंबर का रिंग पाना नहीं है तो आपकी बाइक का जो पावर टूल बॉक्स है दोस्तों, ये वाला, इसके अंदर प्लग पाना होगा। प्लग पाना आपको निकाल लेना है और इसके बाद हमारी जो बाइक के इंजन में प्लग लगा हुआ होता है, इसकी कैप निकाल करके हमारा जो ये प्लग है इसको खोल के निकाल लेना है। इसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपकी जो बाइक है वो माइलेज कितना दे रही है, कैसे पता कर पाओगे आप। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हमने हमारी जो बाइक है इसका प्लग खोल करके निकाल लिए हैं। और FI बाइक का एवरेज चेक करने का सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका यही है। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमारी जो बाइक से अभी प्लग निकला हुआ है वो कुछ इस प्रकार का भूरा प्लग आ रहा है, यानी कि इसका मतलब होता है हमारी जो बाइक है वो 60 से 65 का हमारा माइलेज दे रही है आसानी से। अगर आपका प्लग ऐसा नहीं, ऐसा आता है, जैसे कि हमने एक और प्लग लाए हैं आपको दिखाने के लिए, और इस टाइप का प्लग निकलने से हमारी जो बाइक का माइलेज है वो गिर जाता है 30 से 40 या फिर 45 का एवरेज हमको, यानी कि माइलेज हमको इस टाइप के प्लग में देखने को मिलता है। अगर आपकी बाइक का जो प्लग है दोस्तों वो ब्लैक आ रहा है तो आपकी जो बाइक सर्विसिंग की जरूरत होगी दोस्तों। अगर आपकी जो बाइक है इसमें ऐसा व्हाइट प्लग निकल रहा है, यानी कि भूरा प्लग निकल रहा है, तो आपकी जो बाइक का माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको फिर से ये प्लग जैसा का वैसा लगा देना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक की मदद से बताए हैं कि अगर आपकी जो बाइक है इसका प्लग जो है वो सफेद आता है तो आपकी जो बाइक का एवरेज है वो 70 होता है, हल्का सा भूरा आता है तो 60 से 65 होता है दोस्तों। अगर आपकी जो बाइक का प्लग है वो ब्लैक आता है तो आपका जो एवरेज है वो काफी ज्यादा गिर जाता है। इसमें जो हमारी बाइक है वो मेंटेनेंस मांगती है दोस्तों, इसलिए आपकी बाइक का अगर ब्लैक प्लग आता है तो 30 से 40 का एवरेज हो जाता है। अब हम हमारा जो बाइक का प्लग है इसको अच्छी तरीके से फिट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो इसका माइलेज है वो चेक कर लिए हैं, 60 से 65 का आसानी से हमारी जो बाइक है ये माइलेज दे रही है। अब हमने जो रिंग पाने से इसको खोले थे वही रिंग पाने से इसको फिर से टाइट कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों हमने जो हमारी बाइक है इसमें प्लग लगाए हैं उसको सबसे पहले हमको हाथ से ही कसना है, ताकि हमारी जो बाइक का हेड है इसकी चूड़ी बिल्कुल भी खराब ना हो दोस्तों, अन्यथा आप बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। अब हम पाने से इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। जैसे कि आपने आज इस वीडियो में देखे, हमने BS6 i3S न्यू मॉडल FI बाइक में माइलेज की टेस्टिंग कैसे करते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।